हे गाइस, वेलकम टू इजी पिक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स इन सी लैंग्वेज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स में हम लोग आज देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। ऑपरेटर्स क्या होता है? एन ऑपरेटर इज सिंपली अ सिंबल दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस। देयर कैन बी मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशन लाइक अरिथमेटिक, लॉजिकल, बिटवाइज एटसेट्रा। टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस इन सी लैंग्वेज: अरिथमेटिक ऑपरेशन, रिलेशनल ऑपरेशन, शिफ्ट ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, मिक्स ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में दो तरीके के ऑपरेटर्स हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स एंड यूनरी ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर मीन्स ऑपरेंड, ऑपरेटर, ऑपरेंड। बाइनरी ऑपरेटर्स फॉलिंग इन दिस कैटेगरीज आर कैटेगरी आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। अब इस एग्जांपल में देख लेते हैं। हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया ए, एक बी और एक रिजल्ट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले रेड कलर से है ए प्लस बी, तो एडिशन हो रहा है। उसके बाद येलो कलर में ए माइनस बी, सब्ट्रैक्शन। ग्रीन कलर में ए मल्टीप्लाइड बी, तो मल्टीप्लीकेशन। और पिंक कलर में है ए डिवाइडेड बाई बी। उसके बाद है अपने पास ब्लू कलर में ए मॉडुलस बी। तो मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस मीन्स रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आएगा, 3 डिवाइडेड बाई 3 मॉड 2 इज 1, 2 मॉड 3 इज 3, 5 मॉड 2 इज व्हाट यू हैव टू कमेंट दिस, एंड 2 मॉड 5 इज व्हाट यू हैव टू कमेंट दिस बिलो। ओके, यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, द इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर बाय 1। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, व्हेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज प्लेस्ड बिफोर द वेरिएबल नेम इट्स वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड इंस्टेंटली। प्री इंक्रीमेंट में अगर ये प्री इंक्रीमेंटेड है कोई भी वेरिएबल, उसका वैल्यू इंस्टेंटली उस स्टेटमेंट पे जाते ही वो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, व्हेन इट इज प्लेस्ड आफ्टर द वेरिएबल नेम इट्स वैल्यू इज प्रिजर्व टेम्पररली अंटिल द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट एंड इट गेट्स अपडेटेड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो मतलब हम उस स्टेटमेंट पर जाते हैं, तो उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने के बाद में जब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाने ही वाले होते हैं, तब वो इंक्रीज करता है वेरिएबल को 1 से। तो प्री इंक्रीमेंट क्या करता है, इंस्टेंटली इंक्रीज करता है स्टेटमेंट में जाते ही। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, स्टेटमेंट से जाते वक्त इंक्रीजमेंट करता है। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड ऑपरेटर या ऑपरेटर ऑपरेंड, मतलब एक ऑपरेंड एक ऑपरेटर। बाइनरी में क्या होता है, दो ऑपरेंड वन ऑपरेटर। डिक्रीमेंट क्या होता है, डिक्रीमेंट भी जैसे इंक्रीमेंट में एक प्लस होता है, डिक्रीमेंट में एक माइनस होता है। प्री डिक्रीमेंट क्या करता है, इंस्टेंटली डिक्रीज कर देता है माइनस वन। पोस्ट डिक्रीमेंट क्या करता है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन के बाद जब हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाने लगते हैं, तब क्या करता है, वो वन से माइनस कर देता है। तो पोस्ट डिक्रीमेंट, व्हेन इट इज प्लेस्ड आफ्टर द वेरिएबल नेम आल्सो कॉल्ड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इट value is preserved temporarily until execution of the statement and it get updated before the execution of the next statement। ठीक है, example, ये थोड़ा सा अच्छा example है, अच्छे से समझेंगे। अपने पास दो variable है a, b and result है। post increment का example देखते हैं, तो result is equals to a plus plus printf a is percent d and result is percent t। तो ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, तो पहले रिजल्ट इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा, उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाने वाले होंगे तो ए वन से इंक्रीज कर जाएगा। तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू ए मींस ए कितना था, 10। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 10, और ए इंक्रीज हो जाएगा 1 से। तो ए का वैल्यू, नया वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 प्लस 1 11। पोस्ट डिक्रीमेंट में आते हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट ये है अपना, तो ए माइनस माइनस, ए माइनस माइनस हो जाएगा। तो ए माइनस माइनस होने से पहले रिजल्ट में ए का वैल्यू असाइन होगा, तो ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 से इंक्रीज हुआ था, तो 11। तो रिजल्ट में कितना आ जाएगा, 11, और ए माइनस माइनस होने के बाद क्या हो जाएगा, 11 माइनस 1 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू 11 एंड ए इज इक्वल टू 10। प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, रिजल्ट इज इक्वल टू प्लस प्लस ए। तो रिजल्ट पहले इक्वल टू नहीं होगा, पहले ये हो जाएगा, इंस्टेंटली स्टेटमेंट में घुसते पहले इंक्रीमेंट होगा। तो ए कितना है, 10 प्लस 1 11, और रिजल्ट कितना है, तो रिजल्ट में अब 11 असाइन होगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11, एंड रिजल्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11। प्री डिक्रीमेंट में क्या हो जाएगा, रिजल्ट के वैल्यू से पहले माइनस माइनस ए एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो माइनस माइनस ए एग्जीक्यूट होगा, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 माइनस 1 10। रिजल्ट में कितना आ जाएगा, 10,
और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, तो इसका आउटपुट क्या होगा 10 10। आउटपुट देख लेते हैं, तो पहले पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ तो ए इज इक्वल टू 11, रिजल्ट में 10 ही था, उसके बाद ए इज इक्वल टू 10, रिजल्ट में 11 था, ए इज इक्वल टू 11, रिजल्ट इज इक्वल टू 11 एंड ए इज 10 एंड रिजल्ट इज 10।